मेरे को नहीं पीला अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये ट्यूबवेल आप देख रहे हैं, ये मोस्टली जब भी मैं वीडियो बनाने आया हूँ तो ये बंद ही रहता है। तो जब ये चलेगा तो ये भी आपको दिखाएंगे। अभी जो इसकी हाइट है उन्होंने काफ़ी बढ़ा दी है, तो काफ़ी प्रेशर से जो है वो पानी नीचे गिरता है, जैसे आबशार का पानी गिरता है ना प्रेशर से, इस तरह का इसका जो है ना प्रेशर। कल जो है ये चल रहा था, आज उन्होंने सुबह शायद बंद कर दिया है। अभी जो है पानी भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इंट्रो बनाना सबसे आसान होता है क्योंकि यहाँ पर जो है लोग वगैरह नहीं होते, तो थोड़ी सी झिझक होती है इंट्रो बनाने की। आज ईद का पहला दिन है और मैं अपने गाँव में मौजूद हूँ, तो अभी जो है वो कपड़े चेंज करने हैं, फिर जाएँगे ईद की नमाज़ अदा करने। फिर आप सबको पता है कि उसके बाद क्या होता है, सबके घरों में जो है ईद का गोश्त आ जाता है, ईद की मज़े मज़े की डिशेस बनाई जाती हैं। गांव में अपना डेरा दिखाते हैं, छोटा सा रोड के साथ हमारा छोटा सा एक डेरा है, दरख्त लगे हुए हैं सायादार। तो ये मेरा भाई छोटा बैठा है, मकई के 2-3 बीज डाले थे तो मकई उगाई है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये इसको छल्ली बोलते हैं ऐसे, हाँ डॉगी। तो काफ़ी भूख लगी है, जाकर नाश्ते का पता करते हैं। तो हमने ये रंगदार सेवियाँ डाली थी तो उनका रंग जो बिल्कुल चेंज हो गया है। ये नाश्ता तो सेमियों के साथ हमने नाश्ता कर लिया, वैन भी आ गया है। अब हम अपने डेरे पर चारपाई डाल रहे हैं, जहाँ पर बैठते हैं, कोई गप्पे शप्पे लगाते हैं, कोई और दोस्त भी आ जाएगा। नहीं, ईद की नमाज इस दफा तो काफी रौनक लगी थी इस जगह पे। हाँ, आज जो है ना, आज अभी जो मौसम है ना ज्यादा गर्मी वाला है, तो यहाँ पर इस ईद का ये होता है ना कि इस दफा सभी मजदूर बने हुए हैं। हाँ, सब मसरूफ है ना लोग, गोश्त की कटाई वगैरह में, गोश्त लेने बांटने में। तो अभी जो है ईद की नमाज का कोई कंफर्म है आपको? अभी कह रहे हैं कि घंटे तक जमात खड़ी होगी, उसके बाद ही सभी से मुलाकात होगी, अभी तो सब मसरूफ हैं। इस कपड़ों में ना पढ़ लें ईद की नमाज? नहीं नहीं, ये कपड़े ठीक क्या ठीक तो हैं, ये खून लगा हुआ जो अभी तक गोश्त काट के आया। तो ये हमारे डेरे के सामने एक ट्यूबवेल है, आप जा रहे हैं वहाँ पर नहाने, जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो चल गया ट्यूबवेल, तो अभी फिलहाल चलते हैं। ये डंकी है और उसका छोटा बेबी डंका। मैंने आपको कहा था ना कि बहुत प्रेशर से पानी होता है। हाँ, मिसवाक प्रेशर चेक करें। पहले ये ट्यूबवेल यहाँ पर होता था, अब जो है इसका नया कुआं बना है यहाँ पर, इसको शिफ्ट हुआ है। और ये पहले यहाँ पर ट्यूबवेल था, छोटा सा, इसको बोलते हैं गड़ा या किनारे जिसमें पानी गिरता है। तो अभी ये काफ़ी बड़ा उन्होंने कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो कौन सा कलर पहनूं, कौन सा पहनूं कलर? ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है? मेरे ख्याल में ये वाला ठीक रहेगा, तो ये पहनते हैं। मोस्टली ज़्यादातर जो है वाइट पहनते हैं, लेकिन मैं ये पहनूंगा। शुक्र है वो सुकार ले। ईद हमने पढ़ ली है और इधर से मौसम जो है ना वो आंधी वाला बन गया है, ठंडा बन रहा है। हम आंधी में जो है ना गिर गए हैं, हम ना आगे जा सकते हैं ना पीछे, ये कैसे होगा? छोटी छोटी बोटियां हो रही हैं, ये कलेजी है, ये दूसरा गोश्त है। ओए होए, बारिश हो रही है, बारिश। मौसम जो है वो बहुत ही ठंडा बन गया है, बादल आसमान पर आ गए हैं, काले बादल।
और पहले तो आधी चली है, मस्जिद से निकलने के बाद हल्की हल्की बारिश हो रही है, इधर से किसी ने धुआं आग जलाई है। जय मलिक फिरोज धोखा साहब। हाँ कोई बोल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड दिस इज ऑन कजन कॉल्ड फिरोज खान डोकेस एंड द डोका फैमिली इज हियर प्रिपेयरिंग 50-50 फॉर कोक पार्टिसिपेशन। से हाय टू कैमरा। हेलो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेंट, से हेलो। यू हैव गुड मस्टैच ब्रो, आई रियली लाइक यू। आपकी तबीयत सही है? कल तो आपकी तबीयत बहुत खराब थी, ग्रुप में बोल रहे थे कि आपके काफी दर्द है, और एक वॉइस भी शान ने की थी, और जाहिर वो वॉइस थे ना जो पोमी की इसने की थी शान ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये मौसम मैंने बहुत खुशगवार बना दिया, ठंडा मौसम बन गया है, ईद का मज़ा आ रहा है सही तरह, और यहाँ सब कज़न इकट्ठे हैं तो गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। पहले किस को दें? बेईमान। हमारा ईद का दिन जो है वो नहाते गुजर रहा है, ट्यूबवेल पर जा रहे हैं आ रहे हैं, पहले भी नहाने आए थे, अब फिर ये सब लोग जा रहे हैं नहाने। तुम किधर जा रहे हो? हैं? तुम ही नाम ना? सारी ईद ना, सारी ईद नहाने में गुजर गई है। मैंने खराब मौसम में कपड़े उतार दिए। फिर से नहा लिया है, कोई शुगल मुगल नहीं लग रहा, ईद बहुत बोर गुजर रही है, मज़ा नहीं आ रहा ईद का। तो अभी कभी बैठक पर बैठते हैं, कभी ट्यूबवेल पर यहाँ नहाने आते हैं, तो ईद का दिन सारा ऐसे ही गुजर रहा। चल के भागा चला, तो बुलाएंगे चलिए ऐसे। ए कौन है यार? चला यार चलिए। इन में कितने देख के या फेसबुक पे या टिकटॉक। तो ईद का आज जो दिन है वो जैसा कि आपको पता है कैसे गुजरा है, अभी हम जा रहे हैं फरूख की तरफ, फरूख हालांकि मेरे देरे पर बैठा है, हम उसके घर जा रहे हैं, वहां पर जाकर उसको कॉल करेंगे, उसके वालिद को बुलाएंगे कि फरूख को कॉल कर, तो फिर बेचारा इधर वापस आएगा। लाइक फॉलो तो ब्लॉग पर काफी मेहनत लगती है, और आपको चाहिए कि सब्सक्राइब भी करें। तो रास्ते में ये टूटा हुआ पुल है, यहाँ से जो गाड़ी गुजारना जो है बहुत मुश्किल है, खतरे का काम है, तो कोशिश करते हैं यहाँ से गुजर जाए किसी न किसी तरह। निकल गए, निकल गए, ये सही है सही है, शाबाश। और वो कैसी ईद गुजरी है? तो ये ऑलरेडी मौजूद थे तकी शान और जैन, हमने भी ऊपर से इन पर छापा मारा है, इनको पकड़ लिया है। कोई फायदा होता है या नहीं होता? क्या मंगवाया है? एक बोतल मंगाई, गांव में खा लिया है, खा ले। तकी शान और जैन जा रहे हैं हमें छोड़कर। ओए ईद का मौका है, मोबाइल दे दो, वापस कर दो, हम लेते आएंगे। मोबाइल वापस कर दे। तकी के पास आईफोन है, तो हम कह रहे हैं कि हम मोबाइल हमें दे दे के रास्ते में कोई छीन ना ले। पिज्जा आ गया हमारा, लग गया पिज्जा।
ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਡੇਰ ਲਾਇਕ ਤੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਹਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ इस बंदे ने हमें ज्यादा लाइक और फॉलो किया है इसलिए आज हम इनसे पिज्जा खा रहे हैं। ईद का गोश्त भी खाया ऊपर से फिर कोई ठंडी चीज खाने के लिए निकले थे तो इसमें फिर पिज्जा लगवा दिया। चीज है माया नहीं इतना ही कांटा तो मिलते हैं पिज्जा खाने के बाद। हमारा पिज़्ज़ा जो है काफ़ी स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। आइसक्रीम ऑर्डर पर दस्तयाब है। बादाम में कुल्फी करना। बादाम कभी खाए है? यार जब आप लोगों ने कभी खाई नहीं है तो हाँ फिर कुल्फी लेनी है या कुल्फा लेना है? मजबूरी का नाम शुक्रिया है क्योंकि पिज्जा जो है वो बहुत स्पेसिफिक है। यार लंबी ना छोड़ो, लंबी ना छोड़ो, लंबी कुल्फी लेनी है क्या नहीं लेनी? यार दे दो यार। अच्छा बड़ी मेहरबानी और वापस ले ले। वापस नहीं